हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लाइक कमांड इन एसक्यूएल। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे टेबल लिया हुआ है एम्प्लॉई, जिसके अंदर मैंने दो ही कॉलम लिए हैं, आईडी और नेम, और 6 टपल्स मैंने यहाँ पे डाली हुई है। इन्हीं के ऊपर हम देखेंगे कि लाइक कमांड को कैसे हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर। तो लाइक कमांड जो है वो जनरली हम यूज करते हैं डेटा को सर्च करने के लिए, लेकिन स्पेसिफिकली अगर मुझे कोई क्वेरी आती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 5 केस बनाए हुए हैं। सबसे पहला केस है फाइंड एम्प्लॉई डिटेल हुज नेम स्टार्टिंग विद ए। जैसे अगर यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन आता है कि उन स्टूडेंट्स का नेम निकालो या उन एम्प्लॉयज का नेम निकालो जिनका नेम है वरुण या जिनके नेम में आ रहा है अरुण, तो उसके लिए तो हम सिंपल यूज करते हैं वेयर क्लॉज। कैसे? लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सारी डिटेल निकालनी है तो मैं स्टार लिख लूंगा, फ्रॉम एम्प्लॉई, टेबल का नेम मैंने एम्प्लॉई लिया, वेयर नेम इज इक्वल टू वरुण। अब ये क्वेरी मेरे को क्या आउटपुट देगी? वेयर नेम इज इक्वल टू वरुण, मतलब वरुण की सारी डिटेल आपको दिखा देगी। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा वेयर नेम इज इक्वल टू वरुण या वेयर नेम इज इक्वल टू अरुण, करुणा, अमृत, कुछ नहीं। मैंने पूछा है हुज नेम कंटेन ए इन द फर्स्ट पोजिशन, मतलब पहला लेटर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। तो यहां पे अगर आप नेम इज इक्वल टू क्या कैसे फाइंड आउट करोगे? अकेला वी, अकेला ए तो लिख नहीं सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं क्या? लाइक कमांड। तो यहां पे हम कैसे यूज करेंगे? वेयर नेम इज इक्वल टू, यहां पे मुझे पूरा का पूरा नाम नहीं देना, मुझे सिर्फ पहला लेटर जो है वो ए निकालना है। तो हम यूज करेंगे वेयर नेम लाइक, लाइक कमांड हम यहां पे यूज कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेरी मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये सारी क्वेरी जो है वो ओरेकल के सॉफ्टवेयर के पर्पस से लिख रहा हूं। मतलब ओरेकल अगर आप 9i, 10g, 12c, 16 कोई भी ओरेकल के सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, ओरेकल सर्वर पे काम कर रहे हो, तो ये क्वेरी आपकी एज इट इज चलेगी। क्योंकि MySQL, SQL सर्वर में थोड़ा बहुत कई बार सिंटेक्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, लेकिन लॉजिक जो है वो सेम ही रहता है। तो यहां पे वेयर नेम लाइक, अब पहला लेटर क्या होना चाहिए? पहला लेटर मेरा ए होना चाहिए। अगर मेरा पहला लेटर ए होना चाहिए तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या होना चाहिए? ये कितने करेक्टर होने चाहिए पूरे नाम में, इसके रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा। तो यहां पे आप क्या यूज करोगे? परसेंट। परसेंट हम कब यूज करते हैं? जब आपको कोई भी, मतलब मल्टीपल डेटा के ऊपर आपको काम करना है, लेकिन यहां पे हमने पहले बता दिया कि पहला लेटर ए होना चाहिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्या होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है। और जो टोटल लेंथ है वो भी कुछ भी हो सकती है, मतलब नाम जो है वो कोई भी हो सकता है, कितना भी बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन पहला लेटर क्या होगा? ए होगा। और इसको आप क्या रखो? सिंगल कोट्स में आप इस तरीके से लिख दो। जब आप इस कमांड को, पूरी कमांड को एग्जीक्यूट करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम लाइक ए परसेंट। अब ए परसेंट आपको क्या देगी? यहां पे देखो, पूरे नाम में ये सर्च करेगी, सबसे पहला करेक्टर ए, देखो ये रहा ए, मतलब अरुण आपका आउटपुट में आ जाएगा। दूसरा देखो, के नहीं आएगा, ए यस, अमृत आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आर, नहीं आएगा। नेक्स्ट है अजीत, यस अजीत आपका आउटपुट में आएगा। तो यानी तीन यहां पर आउटपुट आएंगी, अरुण, अमृत एंड अजीत। तो इस तरीके से आपको काम करना है। नेक्स्ट, फाइंड एम्प्लॉई डिटेल हुज नेम एंडिंग विद एन। अब जैसे स्टार्टिंग था, अब आपसे पूछ लिया एंड, मतलब लास्ट का करेक्टर जो है वो एन होना चाहिए, उससे पहले कुछ भी। कुछ भी में हम क्या यूज करते हैं? परसेंट। जब भी आपको आ जाए कि उससे पहले कुछ भी कंडीशन हो, कोई भी पंगा नहीं है, तो आपको क्या करना है? सेम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई वेयर नेम लाइक, ये एज इट इज आप लिख सकते हो, वेयर नेम लाइक, लास्ट लेटर शुड बी एन। लास्ट लेटर अगर एन हो तो एन से पहले क्या हो? एन से पहले कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको पहले बताया कुछ भी के लिए हम क्या यूज करते हैं? परसेंट यूज करते हैं। इससे पहले कितने भी करेक्टर हो सकते हैं, कितने भी लेटर्स हो सकते हैं, कोई पंगा नहीं है, कोई भी हो सकता है, ए से लेके जेड, तो कोई भी हो सकता है, चाहे एन भी आ सकता है, कितनी बार भी आ सकता है, लेकिन लास्ट लेटर आपका एन आएगा। तो देखो कौन सा आउटपुट आएगी यहां पर? एक तो वरुण आ जाएगा, वरुण के अलावा अरुण आएगा, लास्ट लेटर, वो सिर्फ लास्ट लेटर चेक करेगा, एन एन नहीं है, टी नहीं है, टी नहीं है, नहीं है। तो यानी आपको दो आउटपुट आएंगी दूसरे क्वेश्चन में, वरुण एंड अरुण। तो इस तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन करना है। थर्ड, फाइंड द एम्प्लॉई नेम या फाइंड द एम्प्लॉई डिटेल हुज नेम कंटेन डबल ई। इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेम के अंदर डबल ई होना चाहिए। कहां होना चाहिए?
कहीं भी हो सकता है, स्टार्टिंग में हो, मिडल में हो, लास्ट में हो, कोई पंगा नहीं है, बस नेम के अंदर डबल ई होना चाहिए। जब भी नेम के अंदर डबल ई का इस तरीके से आपको क्वेश्चन आए, मतलब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डबल ई आपका कंपलसरी है। लेकिन डबल ई से पहले क्या होना चाहिए, कितने लेटर होने चाहिए, कितने भी लेटर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी में हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया परसेंट। डबल ई के बाद क्या होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, चाहे जीरो करेक्टर हो, चाहे वन करेक्टर हो, ए बी सी डी से लेके जेड तक कोई भी करेक्टर हो सकता है, यानी कुछ भी मतलब परसेंट। स्टार्टिंग में भी कुछ भी, लास्ट में भी कुछ भी, बीच में आपका ई, चाहे स्टार्टिंग में ई हो, कोई पंगा नहीं है, ई होना चाहिए पूरे नेम में। तो यहां पे आपको देखो कौन सी आउटपुट आएगी, यहां पे आपको एक आउटपुट आएगी रंजीत और दूसरी आउटपुट आ जाएगी अजीत। अब चाहे नाम के अंदर, लेट्स सपोज नाम में स्टार्टिंग में ई ए कुछ भी आ रहा है, तो आपको ये भी आउटपुट में आएगा, चाहे स्टार्टिंग में ई है, चाहे लेट्स सपोज आपको लास्ट में भी ई है, कहीं पे भी अगर लगातार ई आ रहा है तो आपको वो सारा आउटपुट देगा, क्योंकि ई से पहले कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी में चाहे जीरो करेक्टर हो, चाहे हजार लाख कुछ मर्जी हो, आपको उससे पहले भी कुछ भी हो, लास्ट में भी कुछ भी हो, लेकिन नेम के अंदर बस ई कहीं पे होना चाहिए। तो इस तरीके से आप जो है वो थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो। फोर्थ, वेयर नेम कंटेन ए इन द सेकंड प्लेस। हाँ, ये अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि नेम के अंदर ए होना चाहिए, लेकिन सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए। मतलब आपके नेम में कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड लेटर जो है वो ए होना चाहिए। अब देखो यहां पे अगर मैं लिखता हूं लाइक ए परसेंट, तो इसका मतलब क्या बना, पहला लेटर ए, उसके बाद कुछ भी, तो क्वेश्चन ऑब्वियसली यहां पे गलत होगा, क्योंकि सेकंड लेटर ए होना चाहिए। मतलब मुझे सेकंड लेटर को फिक्स करना है। तो अगर मैं ये लिखता हूं लेट्स सपोज परसेंट ए, तब भी गलत होगा, ए से पहले कुछ भी हो सकता है, ए से पहले कितने मर्जी करेक्टर्स आ सकते हैं, ये भी मैं फिक्स नहीं कर सकता। जब भी आपको करेक्टर को फिक्स करना है, जब भी आपको प्लेस को फिक्स करना है कि सेकंड लेटर, थर्ड लेटर ये होना चाहिए या लास्ट लेटर ये होना चाहिए, बीच में कोई भी, तो आप यूज करो अंडरस्कोर। यस, अंडरस्कोर मतलब पहला लेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक ही लेटर होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकता, आपने अंडरस्कोर लगा दिया। अब सेकंड लेटर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हुज नेम कंटेन ए इन द सेकंड प्लेस, मतलब आपने सेकंड प्लेस को क्या बोल दिया, ए। अब थर्ड प्लेस में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में क्या हो सकता है, कुछ भी हो, मतलब आप सिंपल परसेंट यहां पर लगा दो। सिंपल सा पॉइंट है, सेकंड लेटर को आपने फिक्स करना है, मतलब आपका जो भी नेम होगा वो इस तरीके से बहुत सारे करेक्टर्स होंगे, उस नेम के अंदर बहुत सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ये सेकंड लेटर ए होना चाहिए। तो सेकंड लेटर को सेकंड बनाने के लिए फर्स्ट लेटर को फिक्स करना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट लेटर को फिक्स करने के लिए मैंने अंडरस्कोर लगा दिया। हाँ, इसके अंदर मैंने ये नहीं बोला कि फर्स्ट लेटर ए होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी डी, हाँ ए से जेड तक कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन आएगी सिर्फ ए की वैल्यू, क्योंकि अंडरस्कोर यहां पे हमने लगा दिया। अब सेकंड लेटर के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की कोई कंडीशन नहीं दी, मतलब इसके बाद कुछ भी आ सकता है, कोई भी करेक्टर आ सकते हैं, कितने भी करेक्टर आ सकते हैं, तो यानी आप बाद में क्या लगा दो, परसेंट आप बाद में लगा दो। लास्ट क्वेश्चन, हुज नेम कंटेन ए इन द सेकंड प्लेस, सेम आपको यहां पे बोल दिया। अच्छा, इसका आंसर भी देख लो, सेकंड लेटर ए, सेकंड लेटर ए जो है वो किस में आ रहा है, वरुण में आ रहा है। सेकंड लेटर ए देखो, आर नहीं, करुणा, यस करुणा में आ रहा है। सेकंड लेटर ए देखो और किस में आ रहा है, रंजीत में आ रहा है, यस। तो ये आपको तीन आउटपुट यहां पे देगा। लास्ट, हुज नेम कंटेन ए इन द सेकंड प्लेस, ये हमने अभी भी किया है, लेकिन साथ में एक और कंडीशन दे दी, एंड नेम शुड कंटेन टोटल फाइव करेक्टर, यस। मतलब नाम जो है वो फाइव करेक्टर्स का ही होना चाहिए, पांच से ज्यादा करेक्टर नहीं हो सकते। तो सेकंड करेक्टर अगर आपको फिक्स कर दें कि ए होना चाहिए, तो ए से पहले एक ही करेक्टर आएगा, हमने अंडरस्कोर लगा दिया, लेकिन ए के बाद तीन ही करेक्टर आने चाहिए। हाँ, वो तीन कुछ भी हो सकते हैं, ए से जेड तक, ए से जेड तक, लेकिन नंबर ऑफ करेक्टर कितने आएंगे, सिर्फ तीन। तो तीन को फिक्स करने के लिए तीन बार अंडरस्कोर लगा दो, सिंपल, लाइक अंडरस्कोर ए, अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स इट।
तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, जब भी आपको कुछ भी से रिलेटेड, मतलब पहले कुछ भी, लास्ट में कुछ भी, कितने भी करेक्टर परसेंट, लेकिन अगर आपको करेक्टर भी फिक्स कर दें कि सेकंड लेटर, फोर्थ लेटर ये होना चाहिए या फिफ्थ लेटर ये होना चाहिए, तो आप अंडरस्कोर यहां पे यूज करो, तो देखो इस केस में आपका आंसर क्या आएगा, वरुण, क्योंकि करुणा में भी ए आ रहा है सेकंड लेटर में, लेकिन टोटल करेक्टर कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, छह करेक्टर हो गए, तो इसको नहीं उठाएगा। रंजीत में भी सेकंड लेटर ए है, लेकिन टोटल लेटर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल करेक्टर है 8, ये भी नहीं आएगा। लेकिन देखो वरुण में सेकंड लेटर ए और टोटल कितने, 1 2 3 4 5, यस पांच करेक्टर है और सेकंड जो है वो ए है। तो इस तरीके से आपसे जो है वो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा लाइक में और कोई भी केस आपसे नहीं पूछेंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई घुमा के, चाहे आपको सैलरी से रिलेटेड पूछा जा सकता है, नेम से रिलेटेड, एड्रेस में, कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो जनरली आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आ जाते हैं या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स में भी आपसे पूछते हैं। थैंक यू।